हैदराबाद में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसको भी देख लें। This road has been completely blocked. We can see the infight. They are fighting, and the situation here we can see. The police are trying to control themselves. However, additional force have been just called in, and the leaders who have spoken to us, they said that it is Satyagraha movement, and we want to. क्या गजब सत्याग्रह मूवमेंट है, सत्याग्रह मूवमेंट। अच्छा जी, खैर हैदराबाद में हो रहा है। किन्नी सज्जन ने लिखा बीजेपी फेल हो गई लॉ एंड ऑर्डर में, हमें पता ही नहीं था राजस्थान में बीजेपी है, महाराष्ट्र में बीजेपी है, हैदराबाद में बीजेपी है। सर आपकी जीके बहुत अच्छी है सर, मैं अनपढ़ आदमी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया कीजिए। किसी ने मुझे हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा फिर, सोचिए जरा। सर जवाला नेटवर्क पर प्रेशर बनाओ, फंडिंग बंद, दंगे बंद, प्लेइंग मेजर रोल, सर उसी पर प्रेशर बनने का नतीजा देख रहे हो आप पूर्व कश्यप जी, उसी का नतीजा है, कुछ और नतीजा नहीं है ना, ठीक है ना, बिल्कुल वही नतीजा। और ये कभी बंद होने वाला नहीं है, इतना आसान नहीं इसको बंद कराना। खैर और आइए, और जगह भी देख लीजिए कहाँ कहाँ हो रहा है सत्य क्या हत्याग्रह। हाँ ऐसा ही कह सकते हैं, ऐसा ही कह सकते हैं पूरे देश में। Utter chaos that has now broken on different parts of the country, be it in Hyderabad, Jammu, in Bengaluru, even in the national capital, as we continue to put forth those pictures. Even in Hyderabad, the situation is getting worse there, Samit. Any development that has happened so far, the police was asking for reinforcements. Few leaders have ran away, and because of, you know, additional forces are also coming here. So now we can say that the situation has now here somewhat, into control, because after doing whatever they wanted to do, they have left this place. यहाँ पर भी ट्रेन रोकी गई, ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई। We are looking at pictures that are coming. यहाँ पे भी कमोवेश यही हाल रहा, ट्रेनों को रोकना, ट्रेनों में तोड़फोड़। मोटस ऑपरेंडा ही वही है ना, चाहे वो स्टूडेंट के नाम पे कर लें, चाहे भर्ती के नाम पे कर लें, चाहे राहुल गांधी जी के नाम पे कर लें, मोटस ऑपरेंडा ही वही का वही, कोई फर्क नहीं है। और साहब अभी रुकिए, इनके नेताओं की हकीकत तो दिखा दूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आइए देखते हैं। हैदराबाद में सूखा नहीं रहेगा, बिल्कुल जी हैदराबाद में सूखा नहीं रहेगा। जो चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं हैदराबाद के प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी पर पुलिस के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि रेणुका चौधरी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए एक तरफ पुलिस प्रशासन बल प्रयोग कर रहा था, तो वहीं एक पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी तस्वीरों में देखी जा सकती हैं, और आरोप लगा है कि क्या गुंडागर्दी है भाई, क्या गजब की गुंडागर्दी है। एक पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कांग्रेस, ये देखिए इसकी तो शर्ट ही पूरी फाड़ दी भाई, गजब। वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी तस्वीरों में देखी जा सकती हैं, और आरोप लगा है कि पुलिस अधिकारी के साथ रेणुका चौधरी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहद कमाल है साहब। ये कांग्रेस का आप समझिए, ये इस देश को अपनी मिल्कियत समझते हैं, बापौती समझते हैं, कि इस देश पर इनका पूरा हक है। ये पुलिस वालों की कॉलर पकड़ेंगे, उनकी शर्ट फाड़ देंगे, उनके बटन तोड़ देंगे, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा इनके मन में। ये तस्वीर बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। कमाल है साहब, कमाल है, ये इस देश में हो रहा है, लोकतांत्रिक देश में। खैर आपने देखा टायर जल रहे हैं, हंगामा हो रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, पूरे देश भर में तमाम सारी जगह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आज लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन तो देख लो वहां कैसा हुआ। कोई बैरिकेड नहीं तोड़े जा रहे भाई साहब, कोई धक्का मुक्की नहीं, सब शांति से अपना प्रदर्शन किए, घर चले गए। मालूम है योगी जी की सरकार है, लठ बजाई हो जाएगी तरीके से, बिल्कुल शांति, एकदम गऊ जिसे बोलते ना भाई, कितने सीधे लीडर है बेचारे, फालतू में इनको बदनाम किया हुआ है, ऐसे लीडर कहीं मिलेंगे। बिल्कुल शराफत से खड़े हैं, बिल्कुल शराफत से खड़े हैं, एकदम शराफत से, शांति से बिल्कुल। अच्छा पीछे वाले को धक्का मत दे देना, योगी की सरकार है। प्रदर्शन करने का तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया, हमको बहुत पसंद आया, यहाँ शराफत में एकदम। खैर कल हमने कहा था, लगातार इतने दिन बुला लिया है, कल ही हमने कहा था, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप स्कीम बता दे रहे हो, हमने कहा शुक्रवार को बुलाया जुमे दिन, क्योंकि शुक्रवार को 17 तारीख को स्टूडेंट्स ने भी बंद बुलाया हुआ है, वो भी हंगामा होगा,
यहाँ पत्थरबाज भी शुरू हो जाएंगे और ऐसे में हो सकता है धीरे से चुपके से राहुल गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाए। शायद लाइव उन तक पहुँच गया, शायद पहुँच गया उन तक। सुनिए, राहुल गांधी को ईडी ने कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन राहुल गांधी ने ईडी से सोमवार को पूछताछ किए जाने की मांग की है। बड़ी खबर इस समय की, राहुल गांधी का कहना है कि कल उनको छूट दी जाए और सोमवार को दोबारा एक बार पूछताछ उनसे शुरू की जाए। राहुल गांधी की मांग पर ईडी इस समय विचार कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है, ईडी को पत्र लिखा है कि उनसे ये पूछताछ सोमवार को होनी चाहिए, लेकिन ईडी अभी तक 3 दिन की पूछताछ राहुल गांधी से कर चुका है और कल यानी शुक्रवार के दिन राहुल गांधी को बुलाया गया है ईडी के द्वारा, जिसके लिए ईडी को राहुल गांधी ने एक अर्जी दी है कि उनसे अब ये पूछताछ सोमवार को की जाए। हालांकि वजह अभी नहीं पता लग पा रही है कि राहुल गांधी ने किस वजह का हवाला दिया है ये पूछताछ कल ना होकर सोमवार को की जाए, लेकिन ईडी जो है वो राहुल गांधी के इस अर्जी पर विचार कर रहा है। तो फिलहाल ठीक है भाई साहब, क्लियर है। कल ही हमने कहा था हो सकता है शुक्रवार को अरेस्ट हो जाए, अब कहते मैं शुक्रवार को नहीं जाऊंगा। नितिन शुक्ला ने अपने लाइव में बोला है अरेस्ट हो जाएंगे, हम सोमवार को जाएंगे भैया। चले जाओ सोमवार को, चले जाओ सोमवार को भी बुला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सोमवार को बुला लेंगे, कब तक भागोगे? जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, कहां तक बचोगे? सर जी रोज का हो गया, आज फ्राइडे है, फिर कुछ होगा।